हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह अपने वीडियो शूट करता हूँ, यानी कि मेरा सेटअप डोर। हालांकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं, लेकिन अभी तक मैंने 3 जगह चेंज कर दिया, क्योंकि कुछ जगह मुझे लाइटिंग की प्रॉब्लम होती थी और कुछ जगह कुछ और प्रॉब्लम होती। तो इस वीडियो में मैं आप सबको तीनों जगह दिखाने वाला हूँ और रीज़न भी बताऊँगा कि किस वजह से मैंने उस जगह को छोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप लोग ये सोच रहे हैं कि ना तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, ना ही मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, फिर मैं सेटअप टूर देने निकल चुका हूँ। तो मेरा देने का मेन कारण ये है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, या तो यूट्यूब में या कुछ और दूसरी और जगह, लेकिन वो रीजंस दे देते हैं कि मेरे पास बराबर का इक्विपमेंट नहीं है या और बहुत सारे। तो इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वीडियो शूट करता हूँ। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अगर आप इस वीडियो को देखकर अगर आप मोटिवेट होते और अपना काम करने का आपको मोटिवेशन फील होता है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे पहले सेटअप, यानी कि मैं पहले जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता था। आपको ये मेरा खुद का कमरा है जहाँ पर मैं सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, वो करने के लिए अलग जगह है। तो आपको पहले एक बार पूरा कमरा दिखा देता हूँ। इसे मैंने कॉलेज पर्पस के लिए लिया था, मैं इसमें एडिटिंग करूँगा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल देता है। और ये जहाँ से अच्छी खासी सनलाइट आ जाती है, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले मैं कुछ इस तरह पोजीशन करके शूट करता था। प्रॉब्लम क्या होती इधर की सनलाइट हमेशा एक तरह की नहीं आती, मतलब कुछ कुछ बार मेरा फेस ओवर एक्सपोज हुआ था तो कुछ बार अंडर एक्सपोज, वो वीडियोस में अच्छा नहीं आ रही थी। और मेरे दोस्त भी यही कह रहे थे कि जगह चेंज कर, तो मैं उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। लेकिन जब मैंने खुद देखा कि बहुत ही बुरा लग रहा है वीडियोस में, तो फाइनली दूसरी जगह जा रहा हूँ। लेकिन अभी आपको ये दिखाता हूँ मैं किस तरह शूट करता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें मैंने एक भी रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मेरे पास पहले से एक ट्राइपॉड नहीं कहूँगा, आपको दिखाता हूँ। ये एक माइक स्टैंड है, ट्राइपॉड नहीं है, माइक स्टैंड है। और मेरे पास ये पहले से ही था, तो इसे ही मैं यूज़ करता हूँ। और मेरा माइक जो है वो मेरा ईयरफोन है, MI का। ये मैंने 2 साल पहले लिया था, लेकिन अभी मैं बोया का नया माइक लेने वाला हूँ। ऑर्डर कर दिया है और कुछ 2-3 दिन में आने वाला है। मैं माइक भी ऑर्डर नहीं करने वाला था, लेकिन अभी इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और ऑडियो क्वालिटी भी कुछ कुछ थोड़ी बहुत बेहतर करने के लिए मैंने माइक ऑर्डर किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह यूज़ करता हूँ इस ट्राइपॉड को। फ़ोन को मैं इस क्लिप में कुछ इस तरह ओपन करके फ़ोन को ऐसे बीच में अटका देता हूँ, और ये बन गया मेरा ट्राइपॉड। अब मैं इसे जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकता हूँ, और इसकी हाइट भी अच्छी खासी है, तो इसीलिए मैं अभी तक ट्राइपॉड नहीं लिया है, फ्यूचर में ले सकता हूँ। तो ये था मेरा पहला सेटअप, यानी कि मेरा पहला रूम जहाँ मैं शूट करता था। अभी चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। तो जैसा कि अभी आपने देखा, 24 घंटे अगर वो सीरियल तारक में तक आता है तो मैं 24 घंटे भी देखने बैठ जाता हूँ, मुझे उतना पसंद है, यानी कि टाइम पास अच्छा खासा हो जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे दूसरे सेटअप की तरफ।
ये है हमारा जूस का सेटअप, ये आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं क्या ये क्लासरूम है और ये किसकी है, ये सब कुछ आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन फ्यूचर वीडियोस में ये सब कुछ रिवील कर दूंगा। तो आपने अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपको आपने देखा ही होगा, मैंने कुछ वीडियोस इस पोजीशन में खड़कर शूट किया है, तो वो मैं किस तरह करता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, एडजस्टमेंट रेडी हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं, और हमारा दूसरा सेटअप भी रेडी हो चुका है। अगेन मेरा माइक, मेरा ईयरफोन, फ़ोन से ही हमेशा कनेक्टेड रहता है। लाइटिंग की तरफ आते हैं तो ये एक LED बल्ब है जो मुझे अच्छा खासा मदद कर देता है, और यहाँ पर भी एक आपको विंडो मिलती है। ये हमेशा मैं बंद ही रखता हूँ क्योंकि जब भी खोलता हूँ तो सिर्फ टमाटो ले लो आवाज़ आएगी और वो वीडियो में अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये था मेरा दूसरा सेटअप, अभी आपको एंगल भी रख के दिखा देता हूँ जिस तरह मैं शूट करता था। और ये मैं रहा, तो मैं कुछ इस तरह का आपको शूट करके दिखाता था। तो ये थे हमारे दो सेटअप जिसमें मैं वीडियो शूट करता था। अगेन इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट मैंने अभी तक नहीं किया है, लाइटिंग भी सिर्फ बल्ब यूज़ करता हूँ और अच्छी खासी वीडियो आ ही जाती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लाइटिंग यूज़ ही नहीं करनी पड़ती, जितनी अच्छी लाइटिंग आप अपने कैमरे को दोगे उतना अच्छा वीडियो आउटपुट आपको मिलेगा। मैं अभी मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का एक ही मोटिव है कि जो भी करूँगा सिर्फ अपने दम पर करूँगा, यानी कि लाइटिंग वो सारा वगैरह यूट्यूब के इनकम पर ही करूँगा। तो अभी तक मैंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हाँ, माइक, इसके कारण अभी मुझे माइक मजबूरन लेना पड़ा। तो ये था हमारा दूसरा सेटअप जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता था। तीसरा सेटअप सोच रहा हूँ आपको दिखाऊँ या नहीं, क्योंकि एक वीडियो मैंने डाला था लेकिन उसे डिलीट करना पड़ा, तो अभी तक आपने उसे नहीं देखा होगा। तो ऐसा करते हैं कि अभी तक तो मैंने उस तीसरे सेटअप पर एक भी वीडियो नहीं बनाया है, तो अभी वो सेटअप दिखाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। एक काम करते हैं कि अभी मैं वीडियोस बनाता हूँ लेकिन सेटअप टूर का सेकेंड पार्ट भी लाता हूँ, उसमें मैं और कुछ कुछ जुगाड़ लगा कर एक अच्छा सेटअप बना लूँगा जिसे मैं आपको दिखाऊँगा, और आप उसे यूज़ मतलब उसका आइडिया लेकर आप भी अपना सेटअप भी ये कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपका भी खर्चा कम से कम होगा और आउटपुट अच्छा खासा आएगा। तो इतना इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।